हेलो एवरीवन। सो टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ा था ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन्स। अब इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। क्या होते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड? सबसे पहले आपको इस बारे में पता होना चाहिए, नाम में ही सब कुछ लिखा गया है। इंटर हेलोजन मतलब हेलोजन के बीच में, जब दो हेलोजन आपस में जुड़ते हैं तो वो कंपाउंड जो बनता है वो क्या बनता है? इंटर हेलोजन बनता है। मतलब दो हेलोजन के बीच में जो कंपाउंड बनेगा दैट इज इंटर हेलोजन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लूं आईसीएल, ले लिया ICl5 बना लिया, IF7 बना लिया, इसके अलावा BrF3 बना लिया, इसके अलावा BrF5। तो कहने का मतलब क्या है, जब दो हेलोजन आपस में जुड़ जाएं या दो हेलोजन आपस में कंबाइन कर जाए तो उस तरह के कंपाउंड को क्या बोला जाएगा? इंटर हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, तो इंटर हेलोजन कंपाउंड बनेंगे हमेशा दो हेलोजन के बीच में। अब बनेंगे कितने या किस किस तरह से बन सकते हैं, क्या क्या कंपाउंड वो बना सकते हैं, कितने आपस में जुड़ सकते हैं, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं तो मेरे जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, नाउ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर ऑफ फोर टाइप, चार तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको लिख के बता देता हूं, ये हालांकि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया भी है। सबसे पहला कंपाउंड बनेगा एक्स एक्स डैश। सभी को पता है एक्स आपका क्या होता है, एक्स आपका होता है हेलोजन। यहां एक्स डैश भी क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, हेलोजन, बट अदर देन द प्रीवियस वन। तो जो एक्स एक्स है हेलोजन है, एक्स है हेलोजन बट अदर देन एक्स, एक्स से दूसरा होगा। ठीक है, तो एक्स एक्स डैश वन, दूसरा क्या होगा एक्स एक्स डैश थ्री, तीसरा क्या होगा फाइव आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा सेवन आ जाएगा। सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। इनमें खास बात क्या है, एक्स एक्स डैश में एक्स को पहले रखा गया, एक्स डैश को बाद में रखा गया, ऐसा क्यों है? इसके लिए ध्यान रखना है, मैं बता रहा हूं आपको कि एक्स को पहले रखा गया, एक्स डैश को बाद में रखा गया, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां जो कंपाउंड बनाया गया है वो एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से बनाया गया है। हमेशा ये चीज आपको याद रखनी है, जब भी आप इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाओगे एक्स हमेशा पहले कौन सा रखना है, बिगर साइज वाला, एक्स डैश हमेशा कौन सा रखना है, स्मॉलर साइज वाला। मतलब एक्स बिगर साइज वाला होगा और एक्स डैश स्मॉलर साइज वाला होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया आईसीएल, ठीक है, या मैंने लिया आईसीएल 7, मैंने बना लिया। आप एक चीज चेक करो, अगर मैं इस कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला लिखूं तो क्या बनेगा, क्या ये एक्स एक्स डैश सेवन बनेगा, क्या ये इस कैटेगरी में आएगा, क्योंकि कितने एक्स डैश आ गए, सेवन। मैंने एग्जाम्पल लिया ICl5, ये किस कैटेगरी में आएगा, क्या ये एक्स एक्स डैश फाइव कैटेगरी में आएगा, ये इस कैटेगरी में आएगा। तो यहां पे हर बार एक चीज आपको नोट करनी है, वो क्या, जो पहला हेलोजन है यहां पर भी यहां पर भी, जो पहला हेलोजन रखा गया है दूसरे के कंपैरिजन में, उसका साइज हमेशा कैसा है रहेगा, साइज हमेशा बिगर रहेगा। चेक कर लीजिए, आयोडीन और क्लोरीन साइज बड़ा किसका है, आयोडीन का है, किससे, क्लोरीन से। तो क्लोरीन का साइज फर्स्ट वन से क्या रहेगा, स्मॉल, तो ये आपका स्मॉलर साइज का है। कैसा है, स्मॉलर साइज है, किसके मुकाबले, आई के मुकाबले या एक्स के मुकाबले। तो एक चीज ध्यान रखनी है क्या, कि जो पहले वाला हेलोजन होगा उसका साइज हमेशा बिगर होगा, बाद वाले का हमेशा स्मॉलर होगा। ठीक है, तो ये चार तरह के बनाए गए हैं, बट बनाए तो गए हैं, ये मैंने जनरली लिखे हैं, ठीक है, इनके एग्जांपल भी डिस्कस करूंगा, बट क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाउ यू विल प्रिपेयर, व्हाट आर द प्रिपरेटरी मेथड्स, आप इनको बनाओगे कैसे। लिख तो दिए हमने कि फोर टाइप्स आर देयर, बट हाउ यू विल प्रिपेयर, लेट्स डिस्कस विद द प्रिपरेशन। तो सबसे पहली हेडिंग जो हम इसकी डिस्कस करेंगे वो क्या होगी, प्रिपरेशन। जैसा कि आपको पता है जितने भी कंपाउंड मैंने आपको बताए हैं, मैंने सभी की आपको क्या बताई है, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो इसके भी हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन हमेशा मैं कितनी बताता हूं आपको, दो बताता हूं। पहली कौन सी बताता हूं, लेबोरेटरी, दूसरी कौन सी बताता हूं, कमर्शियल। बट यहां लेबोरेटरी और कमर्शियल नहीं पढ़ेंगे, रीजन क्या है, बहुत ही रेयरली यूज किए जाते हैं ये कंपाउंड, बहुत ही कम यूजेस इनके होते हैं, तो हमें ज्यादा बनाने की जरूरत
नहीं पड़ती, हम इनको दो मेथड से बनाएंगे, और जब भी बनाएंगे, जब भी ये बनेगा तो ये हमेशा गुड यील्ड में बनता है, तो हमें कमर्शियली बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहला मेथड क्या है और दूसरा मेथड क्या है प्रिपरेशन का, ध्यान से सुनेंगे। पहला मेथड मैं सिंपली लिख रहा हूं, बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हेलोजन्स। मतलब क्या है, अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट हेलोजन्स को डायरेक्टली जोड़ दूं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये भी आप लिख लेंगे, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर या स्पेसिफिक कंडीशन कर दीजिए, एट अ स्पेसिफिक कंडीशन, क्योंकि प्रेशर भी हम यूज करते हैं, टेम्परेचर भी हम यूज करते हैं, एट अ स्पेसिफिक कंडीशन, एक स्पेसिफिक कंडीशन पे दो हेलोजन को आपस में जोड़ दीजिए, जो भी बनेगा वो आपका इंटरजन कंपाउंड बनेगा। कैसे बनेगा मैं डिस्कस कर देता हूं, कुछ एग्जांपल मैं लेके चलूंगा, तो ध्यान से देखेंगे वन बाय वन। जैसे सबसे पहला एग्जांपल मेरा चलेगा यहां, सी एल टू प्लस एफ टू, ध्यान से देखेंगे, सी एल टू प्लस एफ टू किस टेम्परेचर पे, 473 केल्विन टेम्परेचर पे क्या बनेगा, सी एल मेरे पास है, एफ मेरे पास है, दोनों को एक चीज और लिखेंगे यहां, दोनों को लिया गया है इक्वल वॉल्यूम के अंदर, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन क्या ली गई है, इक्वल। तो अगर इक्वल कंसंट्रेशन ली गई है, इक्वल अमाउंट लिया गया है, तो ध्यान रखना इक्वल के अंदर इक्वल ही रेशो रहेगी दोनों की, तो यहां पे कंपाउंड बनेगा टू। हाँ जी, मैं सी एल एफ लिखूं या टू एफ सी एल लिखूं, दोनों में से कौन सा राइट है, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या था, एक्स डैश का साइज हमेशा क्या रहेगा, बड़ा, सॉरी एक्स का साइज हमेशा क्या रहना चाहिए, बड़ा, एक्स डैश का साइज हमेशा क्या रहेगा, छोटा। तो पहले हमेशा बड़े साइज वाला आएगा, बाद में छोटे साइज वाला आएगा, तो पहले बड़ा साइज किसका है, बड़ा साइज है सी एल का, छोटा साइज किसका है, एफ का, तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या बन गया आपका, टू सी एल एफ। क्या ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है, बिल्कुल है, क्योंकि ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, ठीक है। सेम ही एग्जांपल मैं दूसरा ले लेता हूं, सी एल टू प्लस एफ टू, ठीक है, क्या ले लिया मैंने, सी एल टू प्लस एफ टू, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देंगे, दैट विल बी नियर अबाउट 573 केल्विन, बट यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने एक चीज को एक्सेस में कर दिया, किसको मैंने कर दिया, एफ टू को एक्सेस में, तो मतलब एफ मेरे पास ज्यादा अवेलेबल होंगे, सी एल मेरे पास कम होंगे, वहां दोनों इक्वल थे तो इक्वली जुड़ गए थे, बट यहां मेरे पास क्या हो गए, एफ ज्यादा हो गए, सी एल कम हो गए, तो क्या करूंगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, सी एल एफ थ्री, यहां पे क्लोरीन दो थे, बैलेंस कर लेंगे, वहां पर तो बैलेंस हो गए, तो यहां क्लोरीन दो थे, दो हो गए, एफ कितने हैं टू, यहां कितने हो गए सिक्स, तो यहां कितने आ जाएगी, थ्री मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। हम यह क्या कर रहे हैं, हम यहां डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, सी एल टू को एफ टू से जोड़ दिया, सी एल टू को एफ टू से जोड़ दिया, बट ध्यान में रखते हुए क्या उनकी कंडीशन, टेम्परेचर की कंडीशन, और किस वॉल्यूम में आप लेके चल रहे हो। नेक्स्ट ले लीजिए, नेक्स्ट मैंने कंपाउंड ले लिया आई टू प्लस सी एल टू, ठीक है, कंडीशन मैं फिर से ले सकता हूं, यहां मैं टेम्परेचर नहीं बार बार लिख रहा, मैं क्या लिख रहा हूं, हीट लिख दिया मैंने, कि भाई हीट कर दिया है, ठीक है, वो बार बार आपको याद रखने की दिक्कत पड़ेगी, कि कैसे ऐसे याद रखोगे। यहां पर भी मैं क्या कर दूं, इनको इक्वल वॉल्यूम के अंदर कर दूं, किसके अंदर कर दिया मैंने, इक्वल वॉल्यूम, अगर इक्वल वॉल्यूम लोगे, जैसे वहां इक्वल वॉल्यूम में क्या बना था सी एल एफ, तो यहां क्या बन जाएगा, इक्वल वॉल्यूम में आई सी एल, बैलेंस कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय टू आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं एक चीज एक्सेस में कर दूं, सी एल को एक्सेस में कर दूं, क्या बनेगा, आई टू प्लस सी एल टू, फिर से हीट कर दिया गया, तो यहां क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, अब आई सी एल फाइव भी बनता है, आई सी एल सेवन भी बनता है, आई सी एल थ्री भी बनता है, वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना एक्सेस में लिया है। अगर मैं इसको ले लेता हूं बहुत ज्यादा एक्सेस के अंदर, बहुत ज्यादा एक्सेस और एक कम एक्सेस, वो डिपेंड करेगा कि यहां नंबर कितना है क्लोरीन का, यहां जैसे थ्री नंबर था तो यहां नंबर कितना है, अगर मैं यहां भी कितना ले लूं थ्री, तो यहां पे मेरे पास कंपाउंड क्या बनेगा, ये बन जाएगा आई सी एल थ्री, वेरीफाई कर लीजिए, बैलेंसिंग कर लीजिए, आई टू है तो यहाँ कितना आ जाएगा टू, चेक कर लीजिए थ्री टू जा कितना आ गया, ये भी थ्री टू जा सिक्स आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ आप यहाँ यहाँ पे आप फाइव ले लोगे तो यहाँ पे फाइव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उतना ही एटमिक इतना उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये आप
कैसे भी कर किसी भी एलिमेंट के साथ आप मिक्सअप करके इसको बना सकते हो। ठीक है, अगर मान के चलो मैं यहां और एक्सेस में ले लेता हूं, जैसे मैं एक एग्जांपल और ही देता हूं, यहां मैंने क्या किया, मैंने लिया आई टू प्लस, मैंने ले लिया 5 Cl2। ध्यान दें यहां Cl2 कितने लिए थे मैंने, 3। हालांकि ये है अब भी एक्सेस में ही, ये अब भी किस में है, एक्सेस में, बट वहां 3 थे तो यहां कितने हो गए, 5। कंपाउंड क्या बनेगा, क्या यहां पे IClF5 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, इसको बैलेंस कर दीजिए मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। यहां मैं अगर और ले लूं, जैसे कि मैंने लिया आई टू प्लस, मैंने ले लिया यहां पे F2, ठीक है, और यहां मैंने ले लिया 5, 5F2 ले लिया, मतलब एक्सेस में क्या ले लिया मैंने, मैंने एक्सेस में ले लिया आपका F2, क्या बनेगा, क्या ये IF5 बन जाएगा, 2IF5 बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, वो डिपेंड करेगा कि हाउ मच कंसेंट्रेशन, हाउ मच अमाउंट वी आर टेकिंग व्हेन वी आर डायरेक्टली कंबाइनिंग विद ईच अदर। ठीक है, सो दैट इज अवर विच प्रिपरेशन, फर्स्ट प्रिपरेशन कैसे करना है, बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डायरेक्टली कंबाइन कर दिया गया है एट अ स्पेसिफिक कंडीशन। कंडीशन याद रखेंगे कि आपको क्या प्रोवाइड करना है, हर जगह टेम्परेचर आपको प्रोवाइड करना है, मीन्स हीट आपको प्रोवाइड करनी है, और मोस्ट प्रोबेबली ये नियर अबाउट 500-600 के बीच में चलती है। बात समझ में आ गई, तो ये आपकी कौन सी प्रिपरेशन है, फर्स्ट प्रिपरेशन। नाउ कम टू द सेकेंड वन, सेकेंड क्या होगी, सेकेंड में हम क्या करेंगे, बाई एक्शन ऑफ हेलोजन, किसका एक्शन, एक हेलोजन का एक्शन हो किसी दूसरे, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन ऑन अदर लोअर इंटर हेलोजन कंपाउंड। ध्यान सुनो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा एक्शन का मतलब अटैक होना है, किसका, हेलोजन का, किस पे, अदर मतलब दूसरे, लोअर इंटर हेलोजन कंपाउंड पे, किसी दूसरे लोअर इंटर हेलोजन कंपाउंड पे उसका अटैक होना है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से देखेंगे भी, यहां मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, कैसे एग्जाम्पल लिखूं, जैसे मैं लिख दिया, मैंने लिखा यहां पे IClF5, क्या लिख दिया मैंने IClF5, ये क्या है मेरा लोअर इंटर हेलोजन कंपाउंड है, या इसकी बजाय मैं ICl3 भी ले सकता हूं क्योंकि ये भी लोअर इंटर हेलोजन कंपाउंड है। मान लीजिए मैं ICl3 ले रहा हूं, ICl3 प्लस में क्या ले लिया मैंने Cl2, क्या होगा, ध्यान दें ये क्या है हेलोजन, ये क्या है लोअर इंटर हेलोजन कंपाउंड, क्या हो जाए कंबाइन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्या बन जाएगा, क्या ये IClF5 बन जाएगा, यस और नो, बिल्कुल बन जाएगा। इसके अलावा आप यहां ले सकते हैं IClF5 प्लस Cl2, फिर से वही हीटिंग करनी है, ये क्या है लोअर, लोअर है किसका अटैक करवा दिया Cl2, क्या बन जाएगा, क्या ये IClF7 नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। नेक्स्ट ले लीजिए BrF3, मैंने ले लिया BrF3, प्लस में क्या डाल दूं, प्लस में डाल दूं F2, क्या बन जाएगा, क्या यहां BrF5 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। कंडीशन याद रखना, हीटिंग मैंने बताया आपको, हीटिंग कंडीशन के लिए आपको 500-600 केल्विन के अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर चलेगा, कहीं पे 500 प्लस, कहीं पे 600 प्लस, तो यही टेम्परेचर रेंज रहेगी, यहाँ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये कैसे बने हैं, अब ये भी क्या है इंटरहेलोजन कंपाउंड, ये भी क्या है इंटरहेलोजन कंपाउंड, ये भी क्या है इंटरहेलोजन कंपाउंड, बने किससे हैं, लोअर इंटरहेलोजन कंपाउंड से, किससे बने हैं, ये बने हैं लोअर इंटरहेलोजन कंपाउंड से, जिसके ऊपर अटैक किसने किया है, एक्शन किसने किया है, हेलोजन ने एक्शन किया है। तो यही मैंने लिखा, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन ऑन अदर लोअर इंटरहेलोजन कंपाउंड, तो लोअर इंटरहेलोजन कंपाउंड पे हेलोजन ने अटैक करके क्या बनाए हैं, हायर इंटरहेलोजन कंपाउंड। यहां पे ये मैंने आपको बता दिया था डायरेक्टली कॉम्बिनेशन से, और वो लोअर पे अटैक हो जाए किसी भी हेलोजन का, तो क्या बन जाएगा, हायर इंटरहेलोजन कंपाउंड। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी क्या प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन में दो ही प्रिपरेशन है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। और प्रॉपर्टीज में आपको हर बार दो तरीके से बताता आया हूं, पहली प्रॉपर्टी कौन सी, पहली प्रॉपर्टी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी, दूसरी है आपकी
केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले डिस्कस किसको करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी को। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले दोनों क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, नॉन मेटल के साथ। तो बॉन्ड कैसा बनेगा, कोवलेंट या आयनिक, कोवलेंट। तो क्या करेंगे, ऑल आर कोवलेंट कंपाउंड्स या कोवलेंट मॉलिक्यूल। सारे कैसे होंगे, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स या कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, दे विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर और पैरामैग्नेटिक। सारे चेक करना, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो दे आर डाया मैग्नेटिक इन नेचर। तो क्या होते हैं, डाया मैग्नेटिक होते हैं नेचर के अंदर। तो पहला पॉइंट क्या होगा, कोवलेंट है, कोवलेंट है। दूसरा क्या हो गया, डाया मैग्नेटिक होते हैं। नेक्स्ट, आर दे वोलेटाइल और नॉट, यस। किस किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में भी, क्योंकि तो आपको पता है I2 क्या होता है, सॉलिड, बट ये हाईली सबलाइम सब्सटेंस होता है, बहुत जल्दी क्या बना लेता है, वेपर बना लेता है, बन के उड़ जा, जो गैस बन के उड़ जाता है, बट ये तो कंपाउंड बन गए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, यहां दे आर वोलेटाइल कौन सी स्टेट में, इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट, मतलब दोनों स्टेट में ये क्या रहेंगे, सॉलिड स्टेट में भी लिक्विड स्टेट में भी क्या रहेंगे, गैस वोलेटाइल रहेंगे, मतलब भाप बन के उड़ जाएंगे। बट भाप बन के उड़ने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर, और वो कितना होगा, रूम टेम्परेचर। दैट इज दे आर वोलेटाइल इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट एट RT। RT कितना होता है, 298 केल्विन। बट एक ऐसा है जो नहीं वोलेटाइल है, या ये कह दूं एक ऐसा है जो भाप बन के नहीं उड़ता, उस कंपाउंड का नाम क्या है, दैट इज CLF। एक्सेप्ट CLF, वे ऑल आर वोलेटाइल। क्यों, क्योंकि ये एक अकेला है जो क्या होता है नेचर में, गैस। भाई वोलेटाइल तो वो होगा ना जो लिक्विड होगा, लिक्विड भाप बन के उड़ेगा, बट तो खुद ही गैस होते, तो इसका क्या वोलेटाइल होना, कि तो घूमती रहती है एयर के अंदर। बात समझ आ गई। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, आपको पता है इंटरहेलोजन कंपाउंड दो हेलोजन के मिक्स होने से बनता है। मान के चलिए मैंने एग्जांपल ले लिया, या आई और सीएल, ये दो इंटरहेलोजन, दो हेलोजन किसे मिलके बना है। अगर मैं इसकी आईसीएल की प्रॉपर्टी पढ़ूं, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं आईसीएल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ूं, तो आईसीएल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो इंटरमीडिएट रहेंगी, मतलब इन बिटवीन आई एंड सीएल रहेंगी। दोबारा देखिए मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा अगर मेरे पास फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी हो, आई की, मेरे पास फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी है, सीएल की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आई एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीएल जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, आईसीएल। तो फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और होंगी, ध्यान देना यहां, फिजिकल प्रॉपर्टी जो आयोडीन की होंगी और फिजिकल प्रॉपर्टी जो क्लोरीन की होंगी, इन दोनों के बीच में रहेगी फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, आईसीएल की। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इंटर हेलोजन कंपाउंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा इन बिटवीन होती है जिन भी हेलोजन से वो बना है। दोबारा सुन, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा जिन हेलोजन से इंटर हेलोजन कंपाउंड बना है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इन दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टी के बीच में रहेगी, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ आ गई, और दूसरी दूसरी प्रॉपर्टी इन बिटवीन रहेंगी, बट किसको छोड़ के, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो कि थोड़ी सी ज्यादा होती है किसकी, आईसीएल की। तो आईसीएल का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा इनके मुकाबले, बट बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी रहेंगी सारी इनके बीच में रहेंगी। पॉइंट कैसे लिखा जाएगा, पॉइंट लिखने के लिए लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट ऑफ टू हेलोजन्स, या पेरेंट हेलोजन्स लिख दूंगा मैं यहां, इंटरमीडिएट ऑफ पेरेंट हेलोजन्स, किस किस को छोड़ के, एक्सेप्ट एमपी एंड बीपी, विच विल बी स्लाइटली हायर देन
एक्सपेक्टेड, मतलब क्या है, दोबारा सुने, मैंने कहा जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी इंटरहेजन कंपाउंड की वो इंटरमीडिएट होंगी, मतलब वो बीच में रहेंगी पेरेंट हेलोजन्स के, जो हेलोजन मैंने उसमें यूज किए हैं उनके, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उस कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को छोड़ के, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बात समझ आ गई, ये कौन सा पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट। इसके बाद लेते हैं फिफ्थ पॉइंट, केमिकल मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं फिजिकल को डिस्कस कर लेता हूं। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, ये मेरा सेकंड पॉइंट, ये मेरा थर्ड पॉइंट, ये मेरा फोर्थ पॉइंट, ये मेरा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या, आपने पढ़ा है एक्स एक्स डैश थ्री, सिक्स पॉइंट बना रहा हूं, आपने पढ़ा है एक्स एक्स डैश फाइव, सेवन्थ पॉइंट बना रहा हूं, आपने पढ़ा है एक्स एक्स डैश सेवन, इन तीनों के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। एक्स एक्स डैश थ्री का जो स्ट्रक्चर होता है, नोट करेंगे, इट इज बेंट टी शेप। कैसा होता है, बेंट टी शेप, मतलब टी तो बना हुआ है बट थोड़ा सा बेंट बना हुआ है। एग्जाम्पल डिस्कस कर देता हूं मैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लूं बी आर एफ थ्री, किसका एग्जाम्पल लिया मैंने, बी आर एफ थ्री का, और बी आर एफ थ्री का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर बनता है बी आर एफ एफ एफ, और एक लोन पेयर इधर आता है, एक लोन पेयर इधर आता है। तो चेक करें, जो ये टी बना है ये थोड़ा सा बेंट, मतलब ये थोड़ी सी बेंट हो गया इधर से, और नीचे जो एफ लगा हुआ है, तो दैट इज बेंट टी शेप स्ट्रक्चर। व्हाट अबाउट आई एक्स एक्स डैश फाइव, इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट विल बी स्क्वेयर पिरामिडल। कैसा होता है, स्क्वेयर पिरामिडल। और एक्स एक्स डैश सेवन, इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज पेंटागनल बाई पिरामिडल। कैसा होता है, पेंटागनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ये नोट करेंगे, एक्स एक्स डैश थ्री का स्ट्रक्चर बेंट टी शेप, एक्स एक्स डैश फाइव का स्ट्रक्चर स्क्वेयर पिरामिडल, और एक्स एक्स डैश सेवन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पेंटागनल बाय पिरामिडल। टोटल सेवन पॉइंट्स मैंने बताए हैं, कौन सी प्रॉपर्टी के, फिजिकल प्रॉपर्टी के। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई हेलोजन इंटर हेलोजन कंपाउंड की। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, ऑल आर कोवलेंट कंपाउंड। दूसरा क्या, ऑल आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। तीसरा क्या बताया, दे आर वोलेटाइल, मतलब ये दे कैन इजिली कन्वर्ट इन टू वेपर्स। किस स्टेट में हो, चाहिए चाहिए सोलिड स्टेट में हो, चाहिए लिक्विड स्टेट में हो, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, रूम टेम्परेचर। बट एक ऐसा है जो वोलेटाइल नहीं है, क्योंकि वो खुद ही किस फॉर्म में है, वो खुद ही गैस की फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट क्या बताया मैंने, फिजिकल प्रॉपर्टी इंटर हेलोजन कंपाउंड की बीच में रहती है जिस हेलोजन से वो बना हुआ है, मतलब इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर इंटरमीडिएट, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर इंटरमीडिएट ऑफ पेरेंट हेलोजन जिससे वो बना है, किसको छोड़ के, उनकी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट को छोड़ के, क्योंकि जो इंटर हेलोजन कंपाउंड बनेगा, इंटर हेलोजन कंपाउंड का एमपीबीपी थोड़ा सा ज्यादा होगा पेरेंट हेलोजन से। ठीक है, उसके बाद थर्ड मैंने, फिफ्थ मैंने क्या बताया, स्ट्रक्चर ऑफ एक्स एक्स डैश थ्री कैसा होता है, बेंट टी शेप, एक्स एक्स डैश फाइव का स्क्वेयर पिरामिडल, और सेवन का कितना होता है, पेंटागनल बाय पिरामिडल। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। तो अब इसी क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर ध्यान में क्या रखने वाली है, कि किसके साथ ये रिएक्शन करते हैं, किसके साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं। ऑल दो इनकी केमिकल रिएक्शंस आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है, हालांकि ये रिएक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं, बट इनकी केमिकल रिएक्शंस बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए इनके यूजेस भी बहुत ही कम है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होने के कारण किसी के साथ हम बनाना कुछ और चाह रहे हैं, बना कुछ और देते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है। तो केमिकल एक्टिविटी में सबसे पहला पॉइंट आप इसी को ऐड कर लीजिए, दे आर हाईली रिएक्टिव। कौन, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर हाईली रिएक्टिव देन, किससे, देन हेलोजन इवन, मतलब हेलोजन से भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सो दे आर हाईली रिएक्टिव देन हेलोजन, बट हेलोजन में किसको छोड़ के, एक्सेप्ट सबके बाप को छोड़ के। सबका बाप कौन है, सबका बाप है फ्लोरीन। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा रिएक्टिव तो कोई हो ही नहीं सकता पूरी टेबल के अंदर। सो दे आर हाईली रिएक्टिव देन हेलोजन, एक्सेप्ट किसको,
फ्लोरीन को छोड़ के। दूसरा पॉइंट क्या बनाओगे? अब मैंने बताया कि फ्लोरीन को छोड़ के बाकी जितने भी होते हैं जो इंटरनल कंपाउंड सारे रिएक्टिव होते हैं, जो दूसरे क्लोरीन क्लोरीन बच गया, ब्रोमीन बच गया, आयरन बच गया, उनसे ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं, ठीक है। बट रिएक्टिविटी किसके साथ? मान लीजिए मैंने इनको रिएक्ट करवाया वोटर के साथ, ऑल कैन रिएक्ट विद वॉटर, ये सारे रिएक्शन कर सकते हैं किसके साथ? वॉटर के साथ। एंड फॉर्म क्या बनाएंगे? दे कैन रिएक्ट विद वॉटर एंड फॉर्म, एक तो बनाएंगे ये HX- एंड एक बनाएंगे HOX। कैसे बनाएंगे? लेट्स चेक इट आउट। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया ICL, क्या एग्जांपल लिया मैंने? ICL क्या मिलाया? मैंने मिलाया वॉटर। ICL मेरा क्या है? X X डैश है, प्लस में क्या लिया मैंने? वोटर। ध्यान में क्या रखना है? H के साथ कौन जाएगा और OH के साथ कौन जाएगा, यही क्वेश्चन बनने वाला है। अभी मैं बताऊंगा, क्वेश्चन बनाऊंगा मैं यहां। HX डैश और HOX बनेगा, मतलब XX डैश में से वोटर को मैं क्या से लिख दूं? HOH लिख सकता हूं क्योंकि ये मेरा वोटर ही है। तो HX X डैश में से H के साथ कौन जाएगा और OH के साथ कौन जाएगा, ये मैंने यहां जनरली आपको समझा भी दिया है, बता भी दिया है। तो अगर आप मैं इसका प्रोडक्ट बनाऊंगा तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान देना, X मेरा क्या है? I, तो H ये आ गया I, मतलब यहां क्या जाएगा, मैं जगह खाली छोड़ रहा हूं, प्लस यहां है मेरा HOX, तो मैं यहां H और मैं यहां जगह खाली छोड़ रहा हूं। अब आपको सोच समझ के बताना है कि H के साथ यहां क्या जाएगा और यहां क्या जाएगा। इसमें इसका रिजल्ट ये बनने वाला है, इसका रिजल्ट ये बनने वाला है। X के साथ गया X डैश, चेक करो यहां X डैश कौन है, I है कि CL है? CL है, तो फिर यहां क्या जाएगा? CL। यहां चेक करो ये क्या है? X। X मेरा कौन है? I, तो फिर यहां क्या जाएगा? यहां जाएगा मेरा I, ये ही जाएगा। आप ये मत कर देना, अगर आपने ये बना दिया तो ये आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? गलत। आपने यहां क्या किया है? आपने यहां रख दिया है एक्स को और यहां आपने रख दिया है एक्स डैश को, जबकि एच के साथ जाएगा एक्स डैश, तो मतलब एक्स डैश जाएगा एच के साथ और एक्स जाएगा ओ एच के साथ। ये बात खास तौर पे ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं, उसमें आपको सोच समझ के बताना है कि कौन सा किसके साथ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में ले लिया CLF, ठीक है, CLF प्लस में क्या ले लिया? वॉटर। बताइए क्या बनना चाहिए? मैंने पूछा H के साथ कौन जाएगा और OH के साथ कौन जाएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहां पे कौन आएगा और यहां पे कौन आएगा? मैंने फिर से एक बात बताई आपको, इसको आप तोड़ सकते हो किसमें? HOH में, और इसको आप लिख सकते हो X X डैश। एक्स डैश आपको समझ में आ गया कौन है और एक्स आपको समझ में आएगा कौन है। बना दीजिए, एक्स डैश जाएगा एच के साथ, तो यहां कौन आने वाला है? यहां आएगा एफ, फिर यहां कौन चला जाएगा? यहां चला जाएगा सीएल। बात समझ आ गई? सो दैट विल बी योर सेकंड पॉइंट, मतलब दे कैन रिएक्ट विद वॉटर, सारे वॉटर से रिएक्ट कर सकते हैं। बट ध्यान में क्या रखने वाली बात है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, क्योंकि दोनों एलोजन है। ये मत कर देना कि एच के साथ किसी को भी भगा दो, नहीं, एच के साथ केवल वो जाएगा जिसका साइज छोटा होगा। सुना मैंने क्या कहा? मैंने कहा एच के साथ वो जाएगा जिसका साइज छोटा होगा और एच ओ के साथ या ओ एच के साथ वो जाएगा जिसका साइज बड़ा होगा। बात समझ आ गई? क्यों जाएगा? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इट विल बी देयर, ऐसा क्यों होगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे बताइए इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहाँ है? एफ पे चार्ज क्या होगा? पार्शियली नेगेटिव। सीएल पे चार्ज क्या होगा? पार्शियली पॉजिटिव। और मैं वॉटर को भी ऐसे लिख लेता हूं एच ओ एच करके, ठीक है। अब ये क्या है? ओ एच। ये क्या है? एच। एच पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। ओ एच पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। जोड़ दीजिए, मैंने आपको तरीका बता रखा है, एक का पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव, दूसरे का नेगेटिव, पहले का पॉजिटिव। अब अगर आप चेक करो तो यहां से किसको निकाल लो? एच पॉजिटिव को, तो फिर यहां से कौन जाएगा? यहां से जाएगा एफ। तो दोनों से मिलकर क्या बनाया है मैंने? एच एफ। फिर इसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव जोड़ दो, इसका पॉजिटिव कौन है? सी एल, इसका नेगेटिव कौन है? ओ एच, तो क्या बन गया? एच ओ सी एल। तो
और रटना नहीं है, आपको समझना है कि कैसे ये एक्चुअल में हुआ है। ठीक है, मैंने बताया था क्वेश्चन आपको बताऊंगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखिए यहां वाई एक्स एक्स डैश, क्वेश्चन लिखिए यहां पे वाई एक्स एक्स डैश कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन एक्स बॉन्ड एक्स। मैंने क्या कहा, वाई एक्स बॉन्ड एक्स डैश आर मोर रिएक्टिव देन एक्स बॉन्ड एक्स। ठीक है, और एक्स बॉन्ड एक्स में भी किसको छोड़ के भाई, एक तो हम छोड़ के चलेंगे, कौन सा छोड़ के चलेंगे, ये तो सबका बाप है, ये कह लीजिए हमने इसकी पढ़ रखी है क्या, एनोमलस प्रॉपर्टी, तो ये हर बार कहीं ना कहीं टांग अड़ाएगा तो हम उसको छोड़ ही देते हैं, तो इसलिए एफ एफ को छोड़ के बाकी जो जो दूसरे हैं, यहां पे आप लिख सकते हो कि एक्स आपका क्या है, एक्स आपका सी एल है, बी आर है और आई है, ये दोनों एक्स क्या है आपके, सी एल बी आर और आई एफ नहीं है, ध्यान देना। तो वाई एक्स एक्स डैश आर मोर रिएक्टिव देन सी एल, सॉरी एक्स एक्स डैश। मैं एग्जाम्पल भी लूं, जैसे जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, यहां मैंने लिया आई सी एल, मेरा एक्स एक्स डैश क्या आ गया, आई सी एल। यहां मैंने एग्जाम्पल ले लिया आई बॉन्ड आई, एक्स है एक्स एक्स है, तो एक्स एक्स हो गया और एक्स एक्स डैश हो गया। कोई आपसे पूछे आई टू और आई सी एल में दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आंसर आपका आएगा ये ज्यादा रिएक्टिव है इंस्टीड ऑफ दिस वन। ठीक है, आप यहां सी एल बॉन्ड सी एल भी यूज कर सकते हो कि ये ज्यादा रिएक्टिव है उससे। ऐसा क्यों, ऐसा केवल इसके, ध्यान से सुनना, अगर आप लिखना चाहें तो आंसर अपना नोट कर सकते हैं, यहां आंसर क्या बनेगा, दिस इज बिकॉज, आंसर आप लिख सकते हैं यहां, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आपको पता है मैंने एग्जांपल लिया था आईसीएल का और यहां मैंने एग्जांपल लिया था सीएलसीएल का। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं आईसीएल और सीएलसीएल में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो आईसीएल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, मोर बॉन्ड लेंथ सो Easy to break, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो easy to क्या हो जाएगा, break, अगर break जल्दी हो जाएगा तो रिएक्शन फास्ट शो करेगा किसी दूसरे के साथ, बात समझ आ गई। तो y x x डैश आर मोर रिएक्टिव देन x x बिकॉज ऑफ तो मोर बॉन्ड लेंथ सो इट विल बी इजी टू ब्रेक, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो वो जल्दी टूट जाएगा, अगर जल्दी टूट जाएगा तो किसी दूसरे के साथ रिएक्शन जल्दी कर जाएगा। ठीक है, सो दीज टू आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। मैंने पहले बताया बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो इनको बहुत ही कम हम यूज करते हैं, रेयरली यूज करते हैं, क्योंकि जो हमें बनाना होता है ये वो नहीं बनाते, किसी कुछ और बना के रख देते हैं, तो इसलिए इनको रेयरली ही यूज करते हैं, इनकी जगह किसी दूसरे को अल्टरनेटिव हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या डिस्कस करेंगे, इसकी यूजेस डिस्कस करेंगे कि यूजेस क्या होते हैं इनके। तो सो एट लास्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके, हम इसके पढ़ने वाले हैं यूजेस। तो यूजेस के लिए कुछ गिने चुने ही पॉइंट है, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे यूज कम करते हैं तो यूजेस भी बहुत ही कम होंगे। तो सबसे पहला क्या है, यूज्ड एज नॉन एक्वस सोलवेंट, यूज्ड एज नॉन एक्वस सोलवेंट मतलब अगर हमें कहीं विदाउट वॉटर कोई सॉल्वेंट यूज करना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा, यूज्ड एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट, हम फ्लोरीन वाले जो कंपाउंड है, फ्लोरीन वाले जो इंटरजन कंपाउंड है, उनको हम फ्लोरिनेटिंग एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। सी एल एफ थ्री एंड बी आर एफ थ्री, ध्यान सुनना मैं किसकी बात कर रहा हूं, सी एल एफ थ्री एंड बी आर एफ थ्री यूज्ड, ये यूज होते हैं, यूज इन प्रोडक्शन ऑफ यू एफ सिक्स, ये किसके प्रोडक्शन में यूज होते हैं, यू एफ सिक्स के। नेक्स्ट क्या है, सी एल एफ थ्री एंड बी आर एफ थ्री का हम यूज करते हैं, सी एल एफ थ्री एंड बी आर एफ थ्री यूज इन प्रोडक्शन ऑफ, इसका हम यूज करते हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ यू एफ सिक्स इन एनरिचमेंट ऑफ यू 235 मतलब यूरेनियम 235।
आपको पता होगा यूरेनियम रेडक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है, तो उसके एनरिचमेंट के लिए जो UF6 यूज होता है उसको बनाने के लिए भी हम CLF3 और BRF3 का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? आपको पता होगा यूरेनियम के अंदर अगर हम CLF3 डाल दें, ठीक है, ये यूरेनियम कैसा, ये यूरेनियम जो होता है आपका, ये किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं CLF3 मिला दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, UF6, मतलब यहां फ्लोरीन ऐड हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया ना कि फ्लोरीनेटिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं, तो यहाँ फ्लोरीन ऐड हो जाएंगे और प्लस में क्या अलग हो जाएगा, यहाँ से CLF अलग हो जाएगा, क्योंकि कुछ यहाँ जुड़ गए कुछ यहाँ अलग हो जाएंगे। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करने के लिए आपके पास यहाँ 6, यहाँ पे आपके पास हो गए 7। अगर मैं यहाँ करूँ टोटल 2, तो मैं यहाँ 2 करूंगा तो यहाँ मेरे पास Cl2 हो जाएंगे, बट मेरे पास F कितने हो जाएंगे, F हो जाएंगे 8, ठीक है, तो 8 नहीं चाहिए मुझे, तो यहां कर दूं मैं 3 3 3 जा 9, तो वहां 3 करूंगा तो हाँ 3 कर देता हूं, तो यहां कितना कर दूंगा फिर मैं 3, चेक करें 3 3 जा 9, तो F3 यहां हो गए, 3 यहां हो गए, 9 हो गए, क्लोरीन कितने हो गए यहाँ 3, यहाँ भी कितने हो गए 3, यूरेनियम 1 है, यूरेनियम 1 है, ठीक है। तो ये UF6 को बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, CLF3 BRF3 यूज इन प्रोडक्शन ऑफ UF6। UF6 बनाने के लिए भी किसका यूज करते हैं हम, इंटर हेलोजन कंपाउंड का यूज करते हैं। तो यूरेनियम के अंदर अगर मैं किसी को डाल दूं तो क्या बन जाएगा, UF6 बन जाएगा। लेकिन क्या चले थे, सॉलिड, बट ये बनेगी क्या, यहां ये भी गैस बनेगा और ये भी गैस बनेगा। सॉलिड से किस में कन्वर्जन हो गया, गैस में कन्वर्जन हो गया, बस में आ रही है। सो दीज थ्री यूजेज आर देयर। मैंने पहले बताया कि बहुत ही रेयरली यूज करते हैं, तो यूजेज भी क्या है इनके, कम है, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, पता नहीं आपके दिमाग में आया कि नहीं आया है। इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने क्या कहीं एफ को सेंट्रल एटम लिया है या बनाया है? नहीं बनाया। क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो कि व्हाई एफ इज नॉट द सेंट्रल एटम इन एनी मॉलिक्यूल या कंपाउंड, कि फ्लोरीन को किसी भी कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एटम क्यों नहीं बनाया गया है, ऐसा क्यों है, और क्या हम बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको सोचनी है थोड़ा सा, और सोचने के बाद जो भी आपका आंसर दिमाग में आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि व्हाई फ्लोरीन इज नॉट द सेंट्रल एटम इन एनी ऑफ द इंटर हेलोजन या ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। इस टॉपिक के अंदर जो हमने बात डिस्कस करी है इंटरजन की करी है, तो इससे पहले जो हमने डिस्कस की है वो हमने ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन डिस्कस किया है। तो कहने का मतलब क्या है, ग्रुप 17 के अंदर क्या कहीं किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन को सेंट्रल एटम बनाया गया है? अगर बनाया गया तो कंपाउंड लिखेंगे किस में बनाया गया है, और अगर नहीं बनाया गया है तो क्यों नहीं बनाया गया है। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।